इसमें बोला है कंपनी कम्स आउट विद इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, तो कंपनी का जो शेयर है वो इशू करने जा रही है और उसका कीमत कितना है, 10 रुपये, एंड चार्ज टोटल 30 फॉर द शेयर्स, कीमत 10 रुपये लेकिन शेयर के लिए 30 रुपये वो कंपनी जो है ले रही है, इसका क्या मतलब हुआ? फेस वैल्यू मतलब उसका कीमत 10 रुपये है पर कंपनी 30 रुपये ले रही है, इसका मतलब कंपनी को मालूम है हमारे शेयर की इतनी अच्छी डिमांड है मार्केट में, हमारी कंपनी का रेपुटेशन इतना अच्छा है कि हम अपने शेयर को 3 गुना या 5 गुना बेचेंगे, लोग खुशी खुशी हमारे शेयर को खरीद लेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है? तो भले ही शेयर 10 रुपये के लेकिन कंपनी कितना चार्ज ले रही है, टोटल 30 रुपये ले रही है, इसका मतलब जो 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं लोग वो प्रीमियम है, मतलब महंगा उनको बेच रही है शेयर, ठीक है? इतना महंगा भी हो जाता है, जो उसकी कीमत है उसे 3 गुना 5 गुना इतना भी महंगा देते हैं अगर कंपनी की रेटिंग बहुत अच्छी है और उसकी कंपनी के जो शेयर्स है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है? तो टोटल 30 रुपये लेकिन चार्ज किया, द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू अ एंटायर अमाउंट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, बी इंटायर अमाउंट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो बोल रहा है कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा और जो शेयर प्रीमियम है उस पर कितना क्रेडिट होगा। तो कंपनी को जो शेयर का जो कीमत होता है उस पैसे को तो वो शेयर कैपिटल में डालेगी, मतलब शेयर के थ्रू कैपिटल जो जमा की है उसमें डालेगी, लेकिन जो उसका कीमत बढ़ा के या कई बार डिस्काउंट दे के कंपनी जो करती है तो उसका एक अलग से अकाउंट रहता है, अगर प्रीमियम में जा रहा है शेयर तो एक प्रीमियम अकाउंट खोल लेगी अलग से, अगर शेयर डिस्काउंट में दे रही तो डिस्काउंट अकाउंट खोलेगी। पर इस केस में तो हमने देखा कि 10 का शेयर 30 में बेचा जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्रीमियम वाले की बात हो रही है, तो 10 का शेयर 30 में तो 20 रुपये जो है वो प्रीमियम वाले अकाउंट में जाएंगे और जो उसकी कीमत कितनी है वो 10 रुपये है, तो 10 रुपये जो है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? शेयर कैपिटल उस अकाउंट को बोलते हैं जब कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो जो पैसा आता है उस पैसे को एक अकाउंट में रखती है, उस अकाउंट का नाम ही होता है शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और कब जब कंपनी प्रीमियम में मतलब महंगे बेचती है शेयर्स, तो क्योंकि कंपनी महंगे बेच रही है शेयर्स प्रीमियम में बेच रही है तो एक अलग से अकाउंट बना लेती है, उसका नाम होता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब शेयर को प्रीमियम में बेच के जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा मिला ना प्रीमियम से, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करके, तो वो पैसा एक अलग से अकाउंट में रखती है, उसको बोला जाता है प्रीमियम अकाउंट। तो वही बोला है कि कितना पैसा कहाँ क्रेडिट होगा, जो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा, तो क्योंकि 10 रुपये ही कंपनी की शेयर की कीमत है तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपये और प्रीमियम में कितना जाएगा, 30 टोटल पैसे लिए और 10 उसकी कीमत है, यानी कि 20 रुपये जो बच गए जो एक्स्ट्रा है वो शेयर प्रीमियम वाले में जाएगा। सो 10 और 20, सो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर वॉकिंग वॉकिंग आउट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। तो सो कॉस्ट ऑफ सेल हमने पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद करना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, इसके लिए मैंने आपको सब्जी वाले का एक एग्जाम्पल दिया था, एक नंबर हमने किया था पहले कि जो सब्जी वाला है उसका उसने 50 किलो मान लीजिए आलू खरीदे तो 5 किलो उसके बच गए, तो 5 किलो आज के दिन का तो क्लोजिंग स्टॉक है पर अगले दिन के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, ठीक है? उसी को बोला जाता है ओपनिंग। फिर उसने आज भी मान लीजिए ये कल की बात थी, मान लीजिए 31 दिसंबर की बात थी, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में कुछ और आलू खरीद रहा है मान लीजिए, तो 45 आलू उसने और खरीदे तो वो हो जाएगा उसका परचेजेस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस मान लीजिए उसको कहीं उसका कुछ और भी छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं, या फिर आलू लाने के लिए उसको कुछ भी पे करना पड़ा, ऑटो से या किसी से भी वो लेके आया तो उसका उसको अलग से भाड़ा पे करना पड़ा, तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। फिर आज के दिन भी उसके कुछ आलू मान लीजिए 5 किलो कल के बचे थे, आज उसने 45 की परचेज की, 5 किलो जो कल के बचे थे वो आज के लिए हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? आज कुछ परचेज की, 45 किलो आज खरीदा तो 50 किलो हो गए, तो ज़रूरी नहीं है, और वो 50 किलो उसको लाने के लिए थोड़ा रास्ते का किराया पे करना पड़ा मान लीजिए, वो कुछ हो गया, फिर ज़रूरी नहीं है सारे आलू आज बिक जाएंगे, कुछ आलू बचेंगे, तो कुछ आलू मान लीजिए 2 किलो बच गए तो 2 किलो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो इन सभी वैल्यूज को पुट करके हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, की जो हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं उसकी एक्जैक्टली कॉस्ट कितनी है। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितने का परचेस किया, फिर कितने का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, और फाइनली कितना उसका क्लोजिंग स्टॉक है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ आउट ऑफ अवेलेबल कैश बैलेंस विद एबीसी फर्म ए सम ऑफ 10,000 इज यूज टू परचेज फर्नीचर, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, किस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी पूछ रहा है। मान लीजिए एक एबीसी फर्म है, उसके पास कुछ कैश बैलेंस था, उसने उस कैश में से 10,000 रुपये इस्तेमाल कर लिया और 10,000 का फर्नीचर खरीद के ले आई, तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे? मान लीजिए वो जो एबीसी फर्म है उसने क्या किया होगा, उनके पास कुछ कैश होगा, उसमें से उसने 10,000 निकाले और 10,000 रुपये दे दिए किसको, दुकान वाले को, ठीक है? 10,000 दे दिए और बदले में दुकान वाले ने उनको क्या दिया, एक फर्नीचर दिया, यही तो ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे। एबीसी ने क्या किया, कैश दिया 10,000 और बदले में उनको फर्नीचर मिला, कैश गया और फर्नीचर आया, ये इसकी एंट्री हो। सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैश हमारी पॉकेट से गया, कैश क्या होता है, 10,000 गए, कैश कौन सा अकाउंट है, ये होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की क्या खासियत होती है, रियल अकाउंट होता क्या है,
रियल अकाउंट हमारे जो भी असेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल असेट्स या इनटेंजिबल असेट्स, वो हमारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं। टेंजिबल असेट्स किसको बोला जाता है? टेंजिबल असेट्स मतलब जिसको हम टच कर सके, वो सारे असेट्स हमारे टेंजिबल होंगे। जैसे कोई फर्नीचर है, कोई मशीन है, कोई दुकान है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, पैसा, कैश, हमेशा एक रियल अकाउंट, कैश जो कैश है वो हमेशा एक रियल अकाउंट होता है। ये सब हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। ऐसे एक इनटेंजिबल भी होते हैं, क्या होगा, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे इनटेंजिबल रियल असेट में आ जाते हैं। गुडविल को क्यों हमारा असेट बोला गया? इसलिए बोला गया कि गुडविल भी हमारी असेट होती है। असेट की क्या डेफिनेशन है? जो चीज़ हमारी है, जो कि हमें पैसा अर्न करके देती है। ऐसे करके असेट्स की कुछ और भी डेफिनेशंस होती है। तो गुडविल के थ्रू अगर किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, इसका मतलब लोगों का उस कंपनी में बिलीव है, बहुत अच्छी वो क्वालिटी का सामान देते हैं, और उसकी गुडविल के बेसिस पे उसकी एक मतलब प्रॉपर एक वैल्यू भी होती है, मॉनिटरी वैल्यू भी होती है कि इतनी गुडविल की मॉनिटरी वैल्यू है। और उस गुडविल के बेसिस पे कंपनी क्या कर सकती है, कोई अगर नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है तो लोग खुशी खुशी उनका प्रोडक्ट ले लेंगे क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो वो हमारा इंटेंजिबल रियल असेट में आ जाता है। अब इस एंट्री को समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, कैश गया और फर्नीचर हमारे पास आया, बस इतनी सी बात है। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है, ठीक है। फर्नीचर क्या है? ये भी एक टाइप का रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट मैंने बोला था कोई भी असेट, तो आपके पास फर्नीचर आ गया तो ये आपके असेट है, इसलिए ये भी रियल अकाउंट। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आती है कम्स इन, उसको हम करते हैं डेबिट, और कोई चीज़ हमारे पास से जाती है क्रेडिट, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। सो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए अब हम रूल को यहाँ पे लगा लेते हैं। क्योंकि कैश हमारे पॉकेट से जा रहा है, हम उसको कैश दे रहे हैं ना, तो कैश आउट हो रहा है, 10,000 आउट हो रहा है हमारी पॉकेट से, क्योंकि कंपनी के पॉकेट से कैश जा रहा है, क्योंकि कैश आउट हो रहा है। तो जो कैश अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये ए ऑप्शन में क्या किया है? कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 से। कितने पैसे का फर्नीचर मिला? 10,000 का। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से, और बदले में क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है फर्नीचर। फर्नीचर कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर कम्स इन हो गया। क्योंकि फर्नीचर कम सीन हो गया तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 10,000 से। तो इसके साथ ये वाला एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एबीसी फर्म ने क्या किया? 10,000 लेके गई, 10,000 अपनी पॉकेट से आउट किया, और बदले में जो फर्नीचर है उसको कम इन किया, मतलब फर्नीचर खरीद लिया। यही मतलब हुआ। दोनों के दोनों हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास से जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है, ठीक है। तो क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, सॉरी, कैश हमारे पास से जा रहा है, 10,000 हमारे पास से गया, तो इसलिए कैश अकाउंट को हमने किया क्रेडिट। लिखा ना, कैश अकाउंट क्रेडिट। और क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया है कम्स इन, तो इसीलिए जो है फर्नीचर अकाउंट को क्या किया? डेबिट। क्योंकि जो इन है, इन हमने फर्नीचर को इन किया, इसलिए जो फर्नीचर इन है वो हमारा अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। सो डेबिट हुआ फर्नीचर अकाउंट, और कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला जो एंट्री है ए, इसका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है अ फर्म हैज मेड पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ 3,000 टू वन ऑफ इट्स स्टाफ मेंबर्स विच हैव बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो कंपनी ने क्या किया है? अ फर्म हैज मेड अ पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ 3,000 टू वन ऑफ इट्स स्टाफ। तो 3,000 की पेमेंट की है वेजेस की, और विच हैव बिन डेबिटेड, तो उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसी को डेबिट कर दिया। तो जब आप वेजेस पे करते हैं तो एक वेजेस अकाउंट रहता है जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट, जो तीसरी कैटेगरी का गोल्डन रूल है, वहाँ अप्लाई होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो वेजेस है, वेजेस हमेशा आप क्या करते हैं, ये आपका एक्सपेंस रहता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए वेजेस अकाउंट को हमें डेबिट करना था। लेकिन हमने वेजेस के बदले जो पर्सनल अकाउंट है उसी को, वो जो स्टाफ था मिस्टर ए, तो हमने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया, बल्कि हमें जो वेजेस अकाउंट है उसको डेबिट करना चाहिए था। तो इस एरर को क्या बोलते हैं? यहाँ पे चार एरर लिखे, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे ये एक होगा पर्सनल अकाउंट, एक होगा रियल अकाउंट नॉमिनल। तो करना था, मान लीजिए पर्सनल अकाउंट को डेबिट आपने रियल को कर दिया, या रियल को डेबिट करना था पर्सनल को। मतलब जो तीन गोल्डन रूल्स के हमारे तीन अलग अलग टाइप के अकाउंट है, अगर आप उसी में बदली कर देते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट के बदले आप रियल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, रियल के बदले पर्सनल को, उस एरर को बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उन्हीं को आप गलत कर देते हैं, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ वही हुआ है कि जो वेजेस अकाउंट है उसको डेबिट करना था, पर आपने जो पर्सन है मिस्टर ए, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसीलिए हमारा ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे एरर ऑफ ओमिशन होता है, ओमिशन में आप पूरा का पूरा एंट्री हटा देते हैं,
कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है कि आप डेबिट और क्रेडिट की कुछ ऐसी एंट्री कर देते हैं कि जो टोटल बैलेंस है वो इक्वल हो जाता है। मतलब एक जगह आपको डेबिट, एक जगह आपने डेबिट में गलती कर दी 100 रुपये की, एक जगह आपने क्रेडिट में गलती कर दी 100 रुपये की, तो उन्होंने आपस में बैलेंस कर दिया तो जो टोटल वैल्यू है वो इक्वल आएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा एरर ऑफ, वो होता है हमारा कंपनसेटिंग एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला आपको, इसे बोला है अ कंपनी हैड फोरफिटेड 1000 शेयर विथ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच ऑन विच इट हैड रिसीव 4 एज एप्लीकेशन। तो एक कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट कर लिए जिसका कीमत था, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपये था। ऑन विच इट हैड रिसीव 4 एज एप्लीकेशन, तो 4 रुपये उसने एप्लीकेशन के नाम पे ले लिए। द शेयर्स हैव बिन री इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। कंपनी करती क्या, जब आपके शेयर्स वो फोरफिट कर लेती है ना, तो आपके शेयर सबको नहीं मिलते, तो वो किसी और को भी दोबारा से इशू कर देती है आपके शेयर्स। और डिपेंड करता है अगर शेयर की बहुत अच्छी डिमांड है तो वो आपके जो शेयर, जिस मान लीजिए ए के शेयर है, ए ने पेमेंट नहीं की तो उसके शेयर हो गए फोरफिट, तो मान लीजिए बी को शेयर दिए जा रहे हैं, तो अगर कंपनी को मालूम है हमारे शेयर की इतनी अच्छी डिमांड है तो वो उसको प्रीमियम में भी दे देती है कई बार बी को। ठीक है, वो भी हो जाता है। तो बी को वो कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर देने जा रही है, और अगर डिमांड बहुत अच्छी है तो मैंने बोला कि वो उसकी कीमत बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे मतलब प्रीमियम में देंगे। शेयर का कीमत भले ही 10 रुपये, तो 1 रुपये बढ़ा के बोलेगी कि हम 1 का प्रीमियम यानी आपको 11 में देंगे। और बी भी खुशी खुशी ले रहा है उस शेयर को, क्योंकि उसको मालूम है बहुत अच्छी है कंपनी के शेयर, तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो उसमें बी भी खुश है, और ए है, ए के पास है तो शेयर चले गए। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया आगे की। वट इज द टोटल अमाउंट दैट वुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम को मिला के कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? ठीक है, देखना पड़ेगा कितना पैसा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो 1000 जब शेयर्स कंपनी ने इशू किए, ठीक है, कितना पैसा एप्लीकेशन मनी में, 4 रुपये मिल चुके थे, यानी एप्लीकेशन मनी का ही पैसा आया, बाकी पैसा नहीं आया। तो 1000 के हिसाब से 4 कितने हो गए, 4000। एक तो ये पैसा हो गया शेयर कैपिटल का। फिर बोला है प्रीमियम का भी बताइए, तो इसमें हमें कंपनी को प्रीमियम मतलब 1 रुपये महंगा हमने बेचा है, क्योंकि लिखा ना प्रीमियम ऑफ 1 रुपी, तो 1 रुपये हमने कंपनी के शेयर को महंगा कर दिया। तो 1 रुपये ये जो महंगा है वो पैसा, 1 रुपये कौन से प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, तो शेयर कैपिटल में कौन सा जाएगा, जो हमने उसका फोरफिट कर लिया, यानी जो पैसा हम उसको रख लेंगे, क्योंकि हम पैसा भी रख लेते हैं और पैसा जो शेयर है वो भी नहीं देते, वही तो करते हैं जब कस्टमर आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता। तो यहाँ वही हुआ है कि जो 4 रुपये है वो तो हम रख लेंगे उसको, 1000 शेयर के 4 रुपये रख लेंगे, और साथ में जो 1000 शेयर का जो प्रीमियम है कितना, 1 रुपये का प्रीमियम, वो भी हमारा हमारा प्रीमियम अकाउंट से हो जाएगा। तो प्रीमियम को मिला के जो कैपिटल शेयर में पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 4 × 1000, ये तो वो पुराने कस्टमर का हो गया, और जो नया कस्टमर है उससे हम 1 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो 1000 × 1 कितना आ गया, 4000 + 1000, ये हो जाएगा 5000। तो कितना पैसा आ जाएगा इस वाले अकाउंट में, इसमें आ जाएगा हमारा 5000। इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, जब कंपनी फोरफिट करती है और नए पर्सन को जो शेयर्स देती है, ठीक है, रीशू करती है, तो वो प्रीमियम में भी हो सकता है, डिस्काउंट में भी हो सकता है। अगर रेटिंग अच्छी रहेगी तो वो डेफिनेटली प्रीमियम में करेगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा प्रीमियम को मिला के। 1000 शेयर्स थे, ठीक है, और 4 जो रुपये है वही तो कंपनी ने फोरफिट किया है, तो कैपिटल रिजर्व में उस पैसे को वो भेज देगी। ठीक है, तो 4 रुपये 1000 शेयर के 4 रुपये आ चुके, तो यानी 4000 रुपये आ चुके, तो वो 4000 रुपये कंपनी तो कस्टमर को वापस करने वाली है नहीं, तो उसको अपने कैपिटल रिजर्व में भेज देगी। फिर उसने पूछा था कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम में भी आपको कितना बेनिफिट हुआ वो भी बताइए। तो 1000 शेयर, और एक शेयर का हमने प्रीमियम कितना लिया है, 1 रुपये बढ़ाया है, एक शेयर में हम 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 1000 शेयर में कितना हो जाएगा, 1000 × 1, तो कितना आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा। तो अगर आप 4000 में ये वाला 1000 मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टोटल असेट्स ऑफ ए फर्म इज 5 लाख। टोटल असेट कितने के, 5 लाख। जनरली क्वेश्चन बोलती है टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, पर क्योंकि जो हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल उसको बोला जाता है जो कि प्रमोटर अपनी पॉकेट से लेके आता है पैसे को, इसीलिए जो प्रमोटर का पैसा उसको भी लाइबिलिटी में कंसिडर करना है, इसीलिए हमारी क्वेश्चन बन जाती है टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में हमारी अदर लाइबिलिटीज तो रहेगी और साथ साथ कैपिटल भी रहेगा। कैपिटल यानी कि जो पैसा प्रमोटर अपनी पॉकेट से लाया, ठीक है, तो और उसको ऐसा हम क्यों कंसिडर करते हैं लाइबिलिटी में, इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि प्रमोटर जो पॉकेट अपनी जो पैसा अपनी पॉकेट से लाया उसको हमने नहीं लाइबिलिटी माना और उसको हमारे प्रॉफिट में दिखा दिया, तो हम जो करेक्ट प्रॉफिट है उसका कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने सिंपल एग्जाम्पल पहले ही बताया था कि सब्जी वाले ने 500 की सब्जी खरीदी और डे एंड में उसने देखा कि 2000 रुपये उसके पास है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि 2000 का उसको प्रॉफिट हुआ? नहीं, क्योंकि उसने 500 की सब्जी खरीदी, तो वो जो 500 उसने अपनी पॉकेट से लगाए उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, लाइबिलिटी मानना पड़ेगा, और लाइबिलिटी मानना पड़ेगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, अलग से देना पड़ेगा। लाइबिलिटी मतलब किसको पे करनी है, तो हम मानेंगे
जो 2000 है 2000 में से 500 रुपये अपनी पॉकेट में वापस रखेगा जो सब्जी वाला है, कि ये तो मैंने सुबह खुद अपनी पॉकेट से लगाए थे तो जो 1500 बचा, हाँ ये मेरा प्रॉफिट है। तो वही इक्वेशन यहाँ जो है असेट और लाइबिलिटी की कंपनी में भी लागू होती है, कि जो भी असेट रहेगा उसमें जो कैपिटल है उसको हमें लाइबिलिटी ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट या करेक्ट प्रॉफिट तक हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। जो हमारा खुद का पैसा उसको भी हम प्रॉफिट में जोड़ देंगे, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसे इक्वेशंस रखते हैं। तो असेट्स कितना है आपका? 5 लाख है, इसलिए असेट्स के बदले 5 लाख लिख दिया। लाइबिलिटीज कितनी है? 2.6। लाइबिलिटी के बदले आप 2.6 लिख देंगे। 5 में से आप 2.6 को माइनस करते तो कितना आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा। तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वो कैपिटल हो जाएगा, यानी जो प्रमोटर का पैसा है। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी? गैप किस तरह से फील होगा? वो इस तरह से फील होगा। 5 लाख हो गए असेट्स, 2.6 की तो लाइबिलिटीज है ही, लिखा है ना, लाइबिलिटीज आर 2.6। तो जो 2.4 बच गया, जो यहाँ बच गया, 5 में से 2.6 माइनस करेंगे तो 2.4 ही बचेगा, तो वो हमारी कैपिटल हो जाएगी जो कि प्रमोटर अपनी पॉकेट से लाया है। सो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फर्म फॉर कैश, तो जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? आपने मशीन परचेज की तो हुआ, तो जो आपका जो टोटल अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट का, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या रीजन है क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इसीलिए क्योंकि जो कैश है और जो मशीनरी है, तो आपने क्या किया, कैश दिया, कैश आपके पॉकेट से गया, यानी एक रियल असेट चला गया, बदले में आपको मशीन मिल गया, तो आपके जो रियल असेट्स है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। कैश मान लीजिए 10,000 गया और 10,000 की मशीन आपने ले ली, तो आप क्या करोगे, जो कैश अकाउंट है, कैश चला गया और जो मशीनरी उसके बदले आ गई, तो हमारा जो असेट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले हमारा असेट था उसका नाम था 10,000 का कैश, अभी हमारे असेट का नाम है 10,000 का मशीन। तो कैश चला गया बदले में मशीन आ गई, तो टोटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैश की एंट्री आपने रिमूव कर भी दी होगी, बदले में आप मशीन लिख दोगे और वही सम रहेगा 10,000, तो कैश के बदले नाम चेंज हो जाएगा मशीन का, पर जो टोटल एंट्री है वो सेम रहेगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब जो दो रियल अकाउंट में से एक रियल अकाउंट को भेज के दूसरा जो है असेट क्रिएट किया जाता है। कैश और मशीन दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों ही टेंजिबल असेट्स है। कैश गया और बदले में मशीन आई, तो कैश और मशीन बस नाम चेंज हो जाएगा, पर जो टोटल वैल्यू है, क्योंकि अमाउंट भी सेम है, 10,000 गया और 10,000 की मशीन आई, अमाउंट भी सेम है, तो टोटल बैलेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर कैश आप खरीदते मशीन कैश देके, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला है, अ फर्म पेड एन अमाउंट ऑफ 2000 टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। 2000 पे किए एक फर्म ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जो कि फ्राइट आपको जो है चार्जेस आपको पे करने पड़े मशीन के 1,000 के, और 1,000 फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल, मशीन का 1,000 है और फ्राइट ऑन रॉ मटेरियल 1,000 है। वट अकाउंट विल बी डेबिट, क्योंकि आप फ्राइट पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपका एक्सपेंस हुआ, सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसीलिए डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट? फ्राइट अकाउंट, वही अकाउंट जो हमारा फ्राइट जो हमने किराया पे किया, वही वाला अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक फर्म ने जो एडवांस पेमेंट कर दी, जो टैक्स की एडवांस पेमेंट होती है, उसके पार्टनर्स की जो है, उसके पार्टनर्स के बिहाफ पे, यानी पार्टनर की एडवांस पेमेंट कर दी, सो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो पार्टनर्स ने एक तरह से ड्राइंग ड्राइंग की है, उसका जो पार्टनर का जो टैक्स है उसी की पेमेंट की गई है फर्म के द्वारा, तो पार्टनर्स की ड्राइंग माना जाएगा, इसीलिए उसी अकाउंट को कंसिडर करेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग्स डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पेमेंट कर रहा है वो कंपनी उसी पार्टनर की टैक्स के बिहाफ पे एडवांस टैक्स, तो कंपनी के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और कौन सा? मैंने कहा था ना, कंपनी का प्रमोटर या कोई भी अगर पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स कुछ भी पैसा लेते हैं तो उसको ड्रॉइंग अकाउंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अकाउंट का नाम ही ड्रॉइंग अकाउंट होता है। सो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ फर्म रेज ए लोन फ्रॉम नेशनलाइज बैंक। एक कंपनी ने नेशनलाइज बैंक से लोन लिया, सच लोन अकाउंट वुड बी क्लासिफाइड, तो जो लोन अकाउंट है वो किसने दिया लोन? नेशनलाइज बैंक ने दिया, ये आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, हमने पर्सनल अकाउंट डिस्कस किया था, उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, मोहन सोहन ये सब नेचुरल में आ जाएगा, कोई कंपनी, कोई बैंक, नेशनलाइज बैंक, ये किस में आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में, तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कैश ऑफ 2000 हैज बिन रिसीव बाय ए फ्रॉम फर्म फ्रॉम ए, ए से 2000 का कैश मिला, बट इट हैज बिन क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ सी अ क्रेडिटर, हाउ दिस एंट्री? तो कैश ए से मिला, सो ए कौन है? ए है गिवर, तो ए के अकाउंट को हमें करना चाहिए था डेबिट। ठीक है, बट इट हैज बिन क्रेडिट टू ए, ए द
ए जो है रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ए गिवर है, तो ए के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, हमें ए के अकाउंट को करना चाहिए था क्रेडिट, क्यों, क्योंकि जो ये जो ए है और सी है ये दोनों पर्सन है, तो यहाँ पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई पैसा कुछ देता है तो यानी आप अगर आपसे कुछ कोई रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो जाएगा, अगर आपको कुछ कोई देगा पैसा तो वो गिवर हो जाएगा, क्योंकि ए आपको 2,000 रुपये दे रही है, लिखा ना कैश हैज बीन रिसीव फ्रॉम ए, सो ए इस केस में रिसीवर है, क्योंकि सॉरी ए इस केस में गिवर है, वो आपको 2,000 कैश दे रहा है, ए गिवर है, तो ए के अकाउंट को क्या करना चाहिए था क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ए है पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसीलिए ए के अकाउंट को क्या करना चाहिए था क्रेडिट करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ए था गिवर, लेकिन हमने क्या किया, ए के अकाउंट को क्रेडिट ना करने के बदले बट हैज बीन क्रेडिट मिस्टर सी, कोई दूसरा क्रेडिटर, उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, करना क्या चाहिए था, ए के अकाउंट को करना चाहिए था क्रेडिट, पर हमने ए के अकाउंट को क्रेडिट ना करके सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैसे इसको रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफिकेशन एंटर कैसे होगी, देखिए पहले जो करना था वो काम कीजिए और जो गलती की उसको सुधारिए, उसी से आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो करना क्या था कि 2,000 ए से मिला, ए है रिसीवर, सॉरी सॉरी ए है गिवर, वो हमें 2,000 रुपये दे रहा है, तो ए है गिवर, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ए के अकाउंट को करना था क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ए के अकाउंट को करना था क्रेडिट, तो वो एंट्री होता हमारा क्रेडिट ए, तो हमने पहले अपनी गलती सुधारी, दूसरी हमने जो गलती की मतलब जो हमें एंट्री करनी थी तो हमारी करेक्ट एंट्री होगी, पर हमने गलती से सी के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, सी के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, सी को तो कोई मतलब ही नहीं था इस एंट्री से, तो हमने गलती से सी को बीच में लाए, तो सी को हमने गलती से क्रेडिट किया, मान लीजिए सी का बैलेंस 0 है, अभी हमने सी वाले को क्रेडिट कर दिया, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन यही है कि अगर आपने क्रेडिट किया तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो सी के अकाउंट को आप कर दीजिए डेबिट, इससे आपका जो एंट्री है वो रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में दोबारा समझते क्या किया, जब भी आप कोई मिस्टेक करें, मान लीजिए इसमें कोई सी का कोई काम ही नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ए और कैश की बात की जा रही है, ए क्योंकि रिसीवर है, सॉरी ए गिवर है, तो ए को करना था क्रेडिट, पर हमने ए के बदले सी को क्रेडिट कर दिया, तो पहले हम अपनी गलती सुधारेंगे, सी को हमने क्रेडिट कर दिया तो हमारी गलती क्या होगी कि सी को डेबिट कर देते हैं, तो सी को डेबिट हमने अपनी आधी गलती सुधारी, बाकी की जो गलती है उसको हम कैसे सही करेंगे, क्योंकि हमें एक अकाउंट को करना था क्रेडिट और हमने एक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि ए कौन है, गिवर है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट जो गिवर है उसको क्रेडिट करना था, यानी ए जो कि जिसने हमें सच में 2,000 दिया, तो ए को हमें क्रेडिट करना था, तुम सच में ए को क्रेडिट करेंगे और जो गलती से हमने सी को क्रेडिट कर दिया था उसको हम डेबिट करेंगे, इससे हमारा जो रेक्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेन एवर ए कंपनी फॉरफिट द शेयर द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव इज ट्रांसफर, तो कंपनी फॉरफिट कब करती है, मान लीजिए 10 रुपये का पैसा है, एप्लीकेशन का 2 रुपये दिया, बाकी पैसा नहीं दे रहा, तो कंपनी बोलती है 2 रुपये भी हम अपना आपका फॉरफिट करेंगे, आपको शेयर भी नहीं देंगे, ऐसा करके कंपनी आपको बोलेगी, तो वही बोल रहा है कि जो पैसा ऑलरेडी मिल गया, ये जो 2 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं, अब वो कंपनी तो किसी और को दोबारा रीइश्यू करेगी, वो आगे की बात है, लेकिन जो 2 रुपये ऑलरेडी आप फॉरफिट कर चुके हैं, ये पैसा कहाँ जाता है, ये जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है, ये कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, नाम याद कर लीजिए डी, कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे पैसा चला जाएगा, सो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में एक तो कैपिटल यानी कि प्रमोटर का पैसा प्लस जो हमारी लाइबिलिटीज है वो आता है, और असेट्स में असेट आते हैं, तो कैपिटल कितने का है, 90,000 का है, तो कैपिटल के बदले 90,000 पुट कर दिया, और बोला है कि इसमें डायरेक्टली लाइबिलिटी नहीं लिखा, इसमें एक वर्ड लिखा है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में मशीन खरीदी, जब उधार में मशीन खरीदी वही तो लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी मतलब जो हमें पे करनी है, तो उधार में आपने लिया वो सब आपकी लाइबिलिटीज हो जाती है, तो लाइबिलिटी कितना लिया 10,000, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 90,000 और 10,000 कितना हो गया 1,00,000, तो 1,00,000 हमारे असेट हो गए, तो इक्वेशन बनेगी टोटल असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल दिया है साफ साफ 90,000 और लाइबिलिटी साफ लाइबिलिटी नहीं लिखा पर लिखा है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, इसका मतलब ही हो जाता है उधार में मशीन खरीदी, उधार को ही लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है, कोई चीज़ आपने उधार में ली है, कोई लोन जो कि आपको पे करना है वो लाइबिलिटी होता है, तो इसीलिए 10,000 मान लिखेंगे, 90,000 और 10,000 कितना हो गया 1,00,000, तो वो हमारे असेट की वैल्यू होगी 1,00,000 और कैपिटल कितना है 90,000 और लाइबिलिटी कितनी है 10,000, ठीक है, इसके साथ ये वाला इक्वेशन कंप्लीट हो गया।